अंजलि कुमारी मंडल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। जिन वीरों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बचपन में उन्हें मनु के नाम से पुकारा जाता था। मनु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मनु बहुत साहसी और निडर लड़की थी। कभी भी कोई मुश्किल आने पर वो कभी घबराती नहीं थी। उन्हें तीर चलाना, तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करने में बहुत आनंद मिलता था। मनु 12-13 वर्ष की थी तब उनकी विवाह झांसी के राजा गंगाधरराव से कर दी गई। कुछ दिन बाद झांसी में आनंद छा गई और रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ और वह कुछ दिनों बाद बीमार होकर चल बसा। उसके बाद कुछ दिनों बाद गंगाधर राव भी बीमार पड़ गए और उन्हें बचने की कोई आशा ना रही। तब उन्होंने एक 5 वर्ष के बालक को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राय रखा गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद गंगाधर राव चल बसे। जब रानी के ऊपर सारी बागडोर आ चुकी थी तब वो अपने देश की रक्षा करती थी। प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। उसके बाद अंग्रेजों ने यह नियम बना लिया था कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। पर अंग्रेजों ने यह नहीं माना कि राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद में लेकर अपनी कुर्बानी दी। यह बात नहीं मानी और अंग्रेजी सेना ने झांसी पर कब्जा करने के लिए लड़ाई करने लगे। रानी लड़ते लड़ते घायल हो गई और उन्हें बचने की कोई आशा ना रही तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को जल्द से जल्द जला दो ताकि दुश्मन मेरे शव को भी ना छू सके। इनकी यह बहादुरी के लिए कई कविताएं लिखे गए हैं। इन कविता के कवि सुभद्रा कुमारी चौहान का यह गीत आज भी लोग बड़े जोश से गाते हैं। बुंद है लो हर मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। कवि नहीं होगा, कवित्री होगा। कहो फिर से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का यह गीत आज भी लोग बड़े जोश से गाते हैं। बुंद है लो हर मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।